Hey friends, welcome back to my channel and show of watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ CCD वाली कैपेचिनो, जिसको आप घर में केवल और केवल एक मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें बनाना होता है प्रीमिक्स, तो प्रीमिक्स बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बिना किसी मशीन के आप डलगोना कॉफ़ी कैसे बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और आज सीखते हैं ये एकदम फ्रॉथफुल कॉफ़ी, जिसमें झाग भरे हुए हैं लेकिन हमने किसी भी मशीन से ये झाग नहीं बनाए हैं। यस, प्रीमिक्स बनाने के लिए ज़रूर हमने मशीन का यूज़ किया है, लेकिन जो कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसमें आप ये भी जान सकते हैं कि बिना मशीन के भी हम ये प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यस, अगर आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहले बनाते हैं हम कॉफ़ी का प्रीमिक्स। प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने घर के ही स्पून का यूज़ किया है, ताकि आपको मेजरमेंट करना ईजी हो जाए। तो घर के ही स्पून से आप लीजिए यहाँ पर 2 स्पून कॉफ़ी। आप कोई सा भी कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर नेस्कैफे कॉफ़ी पाउडर का यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 4 स्पून शुगर, यानी कि चीनी। जितना आपने कॉफ़ी पाउडर लिया है उसका 2 गुना आपको चीनी ऐड करनी है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 स्पून पानी। आपको बस केवल इतनी ही चीज़ें ऐड करनी है और आप इसको मिक्स कीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा कम है, इसमें चीनी के ग्रैनुअल्स हैं, यानी कि चीनी के दाने हैं। लेकिन जब हम इसको फेटेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से, तो आप देखेंगे इसका एकदम क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा और ये क्वांटिटी में जस्ट 3x या 4x हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक हैंड बीटर नहीं है, तो आप मेरी कल की रेसिपी देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको सिखाया है कि बिना किसी मशीन के, बिना किसी विस्कर के, बिना इलेक्ट्रिक बीटर के आप ये प्रीमिक्स किस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। कल मैंने आपके साथ शेयर की थी डलगोना कॉफ़ी, और अभी जो हम ये प्रीमिक्स बना रहे हैं इसमें मैं लगातार इसको इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से फेंट रही हूँ। अभी फेंटते फेंटते मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। आप इसको पहले 2 मिनट तक लो स्पीड पर फेंटिए और उसके बाद आप स्पीड को बढ़ा दीजिए। आपको लगभग 5 मिनट तक हैंड बीटर की सहायता से इसको इसी तरह से विस्क करना है। इलेक्ट्रिक बीटर से अगर आप करते हैं तो मेहनत काफ़ी कम हो जाती है और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसलिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इलेक्ट्रिक बीटर का ही यूज़ कीजिए। अभी आप देख सकते हैं जब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो इसके नीचे अभी चीनी के दाने कुछ बचे हुए हैं। इट मीन्स कि अभी मुझे इसको और फेंटना है। आपको इसे उस स्टेज तक फेंटना है जब तक कि इसमें चीनी के दाने बिल्कुल एब्जॉर्ब ना हो जाएं। मीन्स अगर आप इसको अपने फिंगर्स के बीच में लेते हैं तो आपको चीनी के दाने महसूस नहीं होने चाहिए और आपको ये लगना चाहिए कि क्रीमी टेक्सचर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइट कलर का हो गया है, कितना लाइट वेट हो गया है और कितना फ्लफी हो गया है। तो इस तरह से आपका ये कॉफ़ी मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। अब आप इस कॉफ़ी मिक्सचर को उठाकर किसी भी एक कांच के साफ और सूखे जार में भरकर फ्रीज में लगभग 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 1 महीने के लिए बनाकर ना रखिए, केवल 1 वीक तक ही इसको स्टोर कीजिए ताकि इसका टेस्ट बरकरार रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 2 स्पून कॉफ़ी से इतना सारा आपका कॉफ़ी प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसकी लिड लगाकर इसको फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपके घर पर कोई गेस्ट आते हैं तो आप फटाफट से केवल और केवल 1 मिनट में ये कॉफ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें कॉफ़ी बनानी है। कॉफ़ी बनाते टाइम हम किसी भी प्रकार के मशीन का, हैंड बीटर का, विस्कर का, किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। केवल और केवल 1 मिनट में बिना किसी मशीन के कॉफ़ी बन जाएगी। दूध बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, दूध में बॉयल आ गया है। अब मैं लेती हूँ ये कॉफ़ी का मिक्सचर। इस कॉफ़ी के मिक्सचर को आप 1 स्पून अपने मग में ऐड कीजिए। आप देख सकते हैं कि कप का साइज़ काफ़ी बड़ा है, उसमें मैंने इतना
कॉफ़ी मिक्सचर ऐड किया है। अगर आपके कप का साइज़ थोड़ा छोटा है तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम ऐड कीजिए, और इससे ज़्यादा बड़ा है तो आप कॉफ़ी प्रीमिक्स की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एकदम उबलता हुआ दूध। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा झाग आ गए हैं क्योंकि दूध बहुत तेज़ गर्म है। तो पहले आप केवल हाफ मग ही फिल कीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए ताकि जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड किया है वो मिक्स हो जाए और इस कप के तले में जाकर ना बैठे। उसके बाद बाकी बचा हुआ दूध इसके ऊपर पोर कर दीजिए कुछ इस तरह से। मीन्स आप थोड़ा हाइट पर रखकर दूध को पोर करेंगे तो इसमें ये इतने सारे झाग यानी कि फ्रोथ आ जाता है, और कॉफ़ी तो हमेशा फ्रॉथफुल ही अच्छी लगती है। तो आप इसको जितना ऊंचाई से उछालते हुए दूध को ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें फ्रॉथ बन जाएगा। ध्यान रखिए दूध बहुत ही तेज़ गर्म होना चाहिए तभी ये फ्रॉथ इतना अच्छा बनता है। और लास्ट में आप इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमने कॉफ़ी प्रीमिक्स बनाया था वो भी ऐड कर दीजिए। इसको स्पून की सहायता से थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, और आप देख सकते हैं झाग कितने सारे आए हैं। किसी भी मशीन का यूज़ नहीं किया ना, बिना मशीन का यूज़ किया हमने इतने सारे झाग क्रिएट किए हैं। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है ना। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉफ़ी को टेस्ट कीजिए, आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और लास्ट में आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर या फिर कोको पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए एंड इसको कुछ इस तरह से मिक्स कर दीजिए, और लीजिए आपकी ये झागदार कॉफ़ी है बनकर बिल्कुल तैयार। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टेस्टी हेल्दी एंड क्विक रेसिपीज़ के साथ। अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड नमस्ते इंडिया। बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।